Hello students, myself Deepthi Rangnani. Today we will deal with Schrödinger wave equation for hydrogen atom in quantum mechanics. Hydrogen परमाणु के लिए Schrödinger समीकरण. Hydrogen परमाणु सबसे सरल परमाणु तंत्र होता है क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है. कुछ अन्य सिस्टम जो परमाणु तंत्र हैं वो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+. लेकिन इसमें नाभिक जो है वो भारी होते हैं. इनको हम हाइड्रोजन के तरह के परमाणु मान सकते हैं. अतः नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए तंत्र के लिए अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं ईशाई इक्वल टू एचआई, या इसको हम लिख सकते हैं एचआई टोटल इक्वल टू ई टोटल शाई टोटल. श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v शाई एक्स वाई जेड ई शाई एक्स वाई जेड. एक कण के लिए अगर तीनों विमाओं में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू शाई बाय डेल वाई स्क्वायर डेल टू शाई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस v शाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो. इसी को हम रिड्यूस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर शाई प्लस 8π स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो. और अगर हम एम का भाग देते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एम डेल स्क्वायर शाई प्लस 8π स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू जीरो. हाइड्रोजन परमाणु में दो कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन होते हैं, जहाँ पर m1 और m2 इलेक्ट्रॉन और नाभिक के द्रव्यमान होते हैं. इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं 1 अपॉन m डेल 1 शाई प्लस 1 अपॉन m डेल 2 शाई स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e माइनस v शाई इक्वल टू जीरो. अगर हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए m को सामान्य द्रव्यमान म्यू से बदलें, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है. अतः श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर हम m के स्थान पर म्यू रखते हैं तो 1 अपॉन म्यू डेल स्क्वायर शाई प्लस 8π स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू जीरो होता है. अब इसमें जो v है वो स्थित ऊर्जा है और इसको हम लिख सकते हैं जी इन्फिनेटिव टू आर एफ डी आर, या लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर जेड जो ई है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन ई का आवेश है और आर जो है नाभिक से डिस्टेंस है. श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर शाई प्लस 8π स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन आर शाई इज इक्वल टू जीरो. हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गोलीय सिमेट्री में है, अतः जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ आर पर निर्भर करती है. इसलिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन के हल के लिए उनके निर्देशांकों या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को गोलीय निर्देशांकों यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम चेंज करते हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. अब इनको अगर हम 1 अपॉन आर स्क्वायर इसको हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हमें इस इक्वेशन जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर जो कि हमने लिख रखी है इस तरह से प्राप्त होती है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया गया है, जहाँ पे शाई जो है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन है. इसको हम इक्वेशन को रिड्यूस करके हम नेक्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. और इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, जो श्रोडिंगर जो इक्वेशन है इसमें दोनों गोलीय निर्देशांकों पर आश्रित होती है, अतः प्रत्येक समीकरण में केवल चर राशियों पर निर्भर करती है. तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो, या वन अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई बाय डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वाई इज इक्वल टू जीरो. थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर प्लस माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो. तो इन समीकरणों के जो सामान्य हल हैं वो अलग अलग तरह से हम निकालेंगे. तो अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स या चर राशियों का पृथक्करण.
जो श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसको हम ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यक्त कर रहे हैं, उसका जो लाभ है वो ये होता है कि अब हम केवल एक निर्देशांक पर आश्रित तीन स्वतंत्र समीकरण प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार इन राशियों का जो पृथक्करण है वो संभव हो सकता है। और जो स्थित ऊर्जा है वो आर पर निर्भर करती है, तो इसलिए समीकरण में शाही एक्स वाई जेड तीन फलनों गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों पर निर्भर हैं, उसके गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, मतलब साई को हम व्यक्त कर सकते हैं शाई इक्वल टू आर वाई एंड जेड, जहाँ पर आर फंक्शन है स्मॉल आर का, वाई फंक्शन है थीटा का और जेड फंक्शन है फाई का। तो इसको अगर हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, अगर शाही वाली इक्वेशन को अगर आर के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो आर और जेड कांस्टेंट रहेंगे, और अगर फाई के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो आर और वाई कांस्टेंट रहेंगे। और इन इक्वेशंस को इसमें प्रतिस्थापित करेंगे अबव इक्वेशन में, तो हम इसको इक्वेशन लास्ट इक्वेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में अगर हम रीअरेंज करके इसको R, Y और Z से भाग देते हैं, तो जो इस इक्वेशन का फर्स्ट वाला पार्ट है वो R में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट जो थीटा Y में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड वाला जो पार्ट है वो Z और Y में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर इक्वेशन को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन जो है वो त्रिविमीय बॉक्स में एक कर्ण है उसके समान होती है। और इस समीकरण के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें केवल आर व थीटा वेरिएबल्स हैं, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसमें फाइव वेरिएबल हैं। तो आर थीटा और फाइव के कुछ भी मान हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके पदों का जोड़ दाहिने राइट हैंड साइड के पद के जोड़ के बराबर होना चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जब दोनों ही पक्षों के समीकरण के मान एक ही नियतांक के बराबर हों, जो कि नियतांक को हम एम स्क्वायर मान रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं वन अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं अगर इसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं एम स्क्वायर को, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल फाइव स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ एम स्क्वायर का प्रयोग किया है ताकि थी जीरो और टू पाई के बीच जो है जेड और डेल जेड अपॉन डेल फाई के मान जो है वो कंटिन्यूस प्राप्त हों। इसमें एक ही राशि फाई है, अतः समीकरण इसको फाई समीकरण कहते हैं। तो अब जो आर और थीटा है उसको हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण करने के लिए इसमें भी हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने के बाद फिर वही जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो फंक्शन है वो आर का चरांक होता है, जो राइट हैंड साइड है वो थीटा पर निर्भर करता है, और इसमें फिर हम एक कांस्टेंट बीटा यूज़ करते हैं और इसको बीटा के बराबर लिखते हैं और इसको फिर वाई से गुणा करते हैं, और वाई से गुणा करने पर हम इक्वेशन को बना सकते हैं एम स्क्वायर वाई अपॉन एम स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई बाय डेल थीटा माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो। और फिर इसको हम थीटा रीअरेंज करके थीटा समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद हम वाम पक्ष को भी थीटा के बराबर रखेंगे, थीटा के बराबर रखने के बाद आर अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करके व्यवस्थित करेंगे तो हमें लास्ट वाली इक्वेशन जो है वो प्राप्त होती है। उसके बाद हम इस तरह से हम इन तीनों जो इक्वेशंस हैं पृथक चर राशियों को हम पृथक कर रहे हैं और तीनों अलग अलग इक्वेशन प्राप्त कर पा रहे हैं आर थीटा और फाई में। तो अब हम आगे क्वांटम संख्या और उसका महत्व पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अलग अलग इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, फाई इक्वेशन थीटा इक्वेशन एंड त्रिज्या समीकरण इक्वेशन। थैंक यू।